हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में पांच तरह के समर ड्रिंक की रेसिपी शेयर करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये समर ड्रिंक इंस्टेंट बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और साथ ही हम आपको इसकी सामग्री भी बताते जाएंगे। लेकिन ड्रिंक की रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज, अगर आपको हमारी ये ड्रिंक की रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वर्जिन मोहितो, और वर्जिन मोहितो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कांच का ग्लास लिया है। और अब हम इस ग्लास में डालेंगे कुछ नींबू की स्लाइसेस, साथ में डालेंगे मिंट लीफ यानी पुदीने की पत्तियां, और साथ में डालेंगे 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप पाउडर शुगर की जगह पे शुगर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुगर सिरप बनाने के लिए आप एक कटोरी में थोड़ा पानी ले लीजिए और उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल लीजिए, और उसके बाद चीनी को पानी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जब चीनी पानी में अच्छे से घुल जाएगी तो शुगर सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। पाउडर शुगर डालने के बाद अब हम इसे क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। काला नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारी आइस क्यूब्स। आप आइस क्यूब्स की जगह पे क्रश की हुई आइस भी यूज कर सकते हैं। आइस क्यूब डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सोडा वाटर। सोडा वाटर डालने के बाद अब हम इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्ट्रॉ डाल देंगे और साथ में लगा देंगे एक छोटा टुकड़ा नींबू की स्लाइस का। ये देखिए, मार्केट स्टाइल वर्जिन मोहितो बनकर रेडी हो गया है। चलिए अब हम दूसरा वाला ड्रिंक बनाते हैं। दूसरा वाला ड्रिंक बनाने के लिए हम फिर से एक खाली ग्लास ले लेंगे और उस ग्लास में डालेंगे थोड़ी सी कट की हुई स्ट्रॉबेरी। हमने यहाँ पर 4-5 स्ट्रॉबेरी को छोटा छोटा कट कर लिया था। साथ में डालेंगे थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ यानी मिंट लीफ, और मिंट लीफ को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग पाउडर शुगर और थोड़ा सा काला नमक। साथ में डालेंगे कुछ टुकड़े नींबू के, मैंने नींबू को छोटा छोटा कट कर लिया था। और नींबू डालने के बाद अब हम इसे भी क्रश कर लेंगे। और क्रश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे खूब सारी आइस क्यूब्स। आप आइस क्यूब्स की जगह पे क्रश की हुई आइस भी यूज कर सकते हैं। आइस क्यूब डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सोडा वाटर, और सोडा वाटर से हम ग्लास को फिल कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ से इस ड्रिंक को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम ग्लास पर लगा देंगे कट की हुई स्ट्रॉबेरी। और ये देखिए, मार्केट स्टाइल स्ट्रॉबेरी मोहितो बनकर रेडी हो गया है, और देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। चलिए अब हम तीसरा वाला ड्रिंक बनाते हैं। तीसरा वाला ड्रिंक बनाने के लिए मैंने फिर से एक खाली ग्लास लिया है, और इस ग्लास में डालेंगे कट किए हुए नींबू। मैंने नींबू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। और साथ में डालेंगे कुछ पत्तियां मिंट लीफ की यानी पुदीने की, और पुदीने की पत्तियों को आप अपने टेस्ट के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। साथ में डालेंगे थोड़ा सा जलजीरा पाउडर, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद अब हम इसे भी क्रश कर लेंगे। और क्रश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे खूब सारी आइस क्यूब। आप आइस क्यूब्स की जगह पे क्रश की हुई आइस यूज कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे स्प्राइट, और स्प्राइट से हम ग्लास को फिल कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ से इसे मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद ये देखिए, बिल्कुल मार्केट स्टाइल जीरा सोडा बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब हम चौथी वाली ड्रिंक बनाते हैं, और चौथे ड्रिंक बनाने के लिए मैंने फिर से एक खाली ग्लास ले लिया है, और अब हम इस ग्लास में डालेंगे ग्रेप्स। मैंने यहाँ काले वाले ग्रेप्स लिए हैं, आप इसकी जगह पे ग्रीन वाले ग्रेप्स ले सकते हैं।
साथ में डालेंगे कुछ पुदीने की पत्तियां यानी मिंट लीफ, साथ में डालेंगे कुछ कट किए हुए नींबू के टुकड़े, मैंने एक नींबू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक, मैंने यहाँ पर चीनी का यूज नहीं किया है, आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं। और अब हम इसे भी क्रश कर लेंगे, और क्रश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे खूब सारी आइस क्यूब, आप आइस क्यूब की जगह पे क्रश की हुई आइस भी ले सकते हैं। और आइस क्यूब डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्प्राइट, और स्प्राइट से हम ग्लास को फिल कर देंगे, और स्प्राइट से ग्लास को फिल करने के बाद अब हम इसमें स्ट्रॉ डाल देंगे, और स्ट्रॉ से हम इसे मिक्स कर देंगे। और अब हम ग्लास पर लगा देंगे एक कट किया हुआ ग्रेप्स, और ये देखिए मार्केट स्टाइल ग्रेप्स मोहितो बनकर रेडी हो गया है, और अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। चलिए अब हम पाची वाली ड्रिंक बनाते हैं, और पाची वाली ड्रिंक बनाने के लिए फिर से हम एक खाली ग्लास ले लेंगे, और अब हम इस ग्लास में डालेंगे कुछ ऑरेंज की स्लाइस जिसके मैंने पहले ही सीड्स निकाल दिए हैं, साथ में डालेंगे मिंट लीफ यानी पुदीने की पत्ती, आप अपने टेस्ट के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। साथ में डालेंगे कट किए हुए नींबू के कुछ टुकड़े, मैंने एक नींबू को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। नींबू डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, आप चाहें तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें पाउडर शुगर नहीं डालेंगे। और अब हम इसे क्रश कर लेंगे, क्रश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ऑरेंज जूस, मैंने जूसर की सहायता से ऑरेंज जूस घर पर ही निकाल लिया था, आप चाहें तो मार्केट वाला ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं। ऑरेंज जूस डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे खूब सारी आइस क्यूब, आप आइस क्यूब की जगह पर क्रश की हुई आइस भी डाल सकते हैं। आइस क्यूब डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्प्राइट, और स्प्राइट से ग्लास को फिल कर देंगे। ग्लास को फिल करने के बाद अब हम इसमें स्ट्रॉ डाल देंगे, और स्ट्रॉ से इसे मिक्स कर देंगे, और ये देखिए मार्केट स्टाइल ऑरेंज मोहितो बनकर रेडी हो गया है, और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी मॉकटेल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं, हमने यहाँ पर 5 फ्लेवर के मॉकटेल्स बनाए हैं, वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, और ये देखिए कितने सुंदर मॉकटेल दिख रहे हैं, और ये टेस्ट में भी बहुत टेस्टी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये मॉकटेल की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।